आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के स्टूडियो में मैं लेके आया हूँ जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, मतलब हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त को शरीर में जमने नहीं देता है। ओके फ्रेंड्स, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है शरीर के अंदर। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर पर। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थक्का कहाँ बनता है? शरीर से बाहर बनता है, शरीर के अंदर नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन किसमें पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। और एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और मनुष्य के शरीर में लगभग 60×10^15 कोशिकाएँ पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 60×10^15 कोशिकाएं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे फल कटहल है। विश्व का सबसे फल या तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक धातु। और हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा केरोटीन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा केरोटीन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण का सहायक होता है और महिला में एक्स एक्स। पुरुष में एक्स वाई हो गया, महिला में एक्स एक्स। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने शोध के लिए किसका प्रयोग किया था? तो उसने किया था मटर के पौधे का। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है, वायरस जनित रोग। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। और मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? तो होती है 14। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। और केसिन क्या होती है? ये दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन किससे लेते हैं? जल से। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांग है। पुष्प के जनन चक्र कौन से है? पुमंग एवं जायांग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। और मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी को किस में घुलनशील है? जल में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके फ्रेंड्स, ये थे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी डेली की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।